दोस्तों, हम अपने महत्वपूर्ण पड़ाव द्वारका से बेट द्वारका पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बेट द्वारका में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको नाव से जाना पड़ता है क्योंकि हम साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कहीं नाव चलती है तो नाव से भी जाना पड़ता है। तो ऐसा यह प्रमुख स्थान है, आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है और सब नाव का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 20 रुपये लगता है जाने का और 20 रुपये आने का लगता है। तो हम पहुँच चुके हैं अपने इस द्वारका के कम से कम कह सकते हैं अंतिम पड़ाव में, क्योंकि अगर जब तक आप बेट द्वारका के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी यात्रा अधूरी कह जाती है। माना यह जाता है कि कृष्ण भगवान का जो ऑफिस है वो मेन द्वारका में है, उनका कार्य क्षेत्र है और यहाँ पे उनका घर है, क्योंकि हम रुक्मिणी माता जी के मंदिर गए थे तो वहाँ के पंडित जी ने हमको ऐसे ही बताया कि जो द्वारका का मंदिर है वहाँ पे वे कार्य क्षेत्र था, जैसे बोलते हैं ना ऑफिस रहता है वैसा था, और ये जो बेट द्वारका वहाँ पे उनका निवास स्थान था, अपनी फैमिली के साथ वे रहते थे। ऐसे ही रुक्मिणी माता जी के मंदिर में गए हैं और नागेश्वर मंदिर में गए हैं, तो आगे आपसे सब चीज़ें शेयर करने वाले। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारे और आपके इस जुनून के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलते रहे। और इस जुनून के लिए इतना ही कहूँगा कि भाई आपको अगर ये जुनून अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाने का प्रयास कीजिए कि एक व्यक्ति इस प्रकार से पूरे भारत की यात्रा पर निकला हुआ है और एक पॉजिटिव संदेश लेके निकला हुआ है कि भाई आप देश से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और किसी न किसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर योग कर सके तो और भी अच्छा है, क्योंकि योग के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे आपका मस्तिष्क और तन मन धन सब चीज़ें अच्छे से, आपकी सोचने समझने की क्षमता सब बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हो। तो मिलते हैं आपसे बेट द्वारका में और बहुत कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। बनकर तैयार हो चुकी है और निकल पड़ी है अपने पड़ाव की ओर, बेट द्वारका की ओर, देख सकते हैं। और हम भी इसी में से किसी नाव में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम भी किसी एक नाव में बैठते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बढ़ चले हैं दोस्तों अपने अगले मंजिल की ओर, अगले पड़ाव की ओर, बेट द्वारका में। और देख सकते हैं पूरे और समुद्र है। पिछले बार जब हम आए थे हालांकि साइकिल से नहीं आए तो पक्षी थे, अभी हालांकि धूप का समय तो पक्षी नहीं होंगे, धूप बहुत है लेकिन इतना अनुभव भी नहीं होता क्योंकि समुद्र के आसपास में हवाएं बहुत चलती रहती है, इस कारण से देख सकते हैं बहुत भीड़ है। और जैसे ही कोरोना का काल लगभग खत्म हुआ या कम हुआ तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मुसलमान नीचे। तो दोस्तों हम इस बार पहुंच चुके हैं द्वारका में, बेट द्वारका में, और एक कोने में पहुंच चुके हैं कह सकते हैं भारत के नक्शे के पूरे, क्योंकि आप इसके आगे कोई रोड ही नहीं है, केवल आपको समुद्र और ये बेट द्वारका दिखाई देगी, एक टापू के समान है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है, आपको केवल नाव ही नाव नज़र आएगी। नाव से यहाँ के लोकल लोग भी जहाँ पे रहते हैं वो लोग भी नाव का ही सहारा लेते हैं और वहीं उसी से आना जाना करते हैं। और कह सकते हैं यहाँ से अगर समुद्र के रास्ते थोड़ा ही आगे आऊँगा तो आपको पाकिस्तान नज़र आएगा और बाकी देश भी आपको समुद्र के द्वारा पहुँचा जा सकता है, मतलब यहाँ से एंड ऑफ रोड्स हो जाता है, यहाँ से आपको केवल और केवल नाव का सहारा लेना पड़ता है। और अगर इस साइड आए तो आपको ठीक है ओखा मिलेगा, लेकिन दूसरे साइड चले गए तो भटक गए तो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे।
तो अब हम बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं और भगवान से हमारे देश की खुशहाली के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। योग दिवस बिल्कुल नज़दीक ही है, तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छा जीवन व्यतीत कर, इसी कामना को लेकर हमने अपनी भारत यात्रा स्टार्ट की थी। और आज हम हमारी भारत यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जो चार धाम भारत के हैं उनमें से एक प्रमुख धाम और बहुत सारी विशेषता को लिए हुए है द्वारका का भाग है। तो ऐसी आगे बढ़ते हैं और आपसे जानकारी लगातार शेयर करते हुए चलते हैं। हालांकि बिल्डिंग अब अपनी अंतिम अवस्था में है, लेकिन देखने पर ये समझ में आता है कि ऐसी कारीगरी या ऐसी व्यवस्था केवल पहले ही हो सकती है, अभी वर्तमान में तो नहीं हो सकती। कितनी बारीकी से अलग अलग मूर्तियों को कितनी खूबसूरती से बनाया गया, आप देख सकते हैं। अलग अलग मुद्राओं में संगीत, राजा महाराजा और अलग अलग जो गणेश जी है, आपको द्वारपाल है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग भाग दिखाई दे जाएंगे केवल इतने से ही भाग में। तो ये एक और हमारी संस्कृति का या हमारी ऐतिहासिक धरोहर का भाग है, लेकिन यह अंतिम चरण में है और अंतिम सांसें ले रहा है। तो आपके लिए ये इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहे हैं कि हो सकता है कि पिछली बार आए तो यह आपको ना मिले, धराशायी हो जाए, इसके जगह पे कोई नई बिल्डिंग खड़ी हो जाए। तो ये नया ब्रिज तैयार किया जा रहा है, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन कम से कम समस्याएँ हैं वो दूर हो जाएगी। और बेट द्वारका और ओखा में आना जाना बहुत ही आसानी से संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी भारत यात्रा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव और समाप्त होता है। द्वारका में बेट द्वारका हम पहुंच चुके हैं और जहां से भगवान द्वारका सुदामा जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी भगवान श्री कृष्ण से मिलने पोरबंदर में, वहां से अभी हमने चालू किया था। वहाँ पे भी आपको बताया था कि ये जगह थी, मंदिर भी बताया था आपको कि इस प्रकार से उन्होंने 84 कोस की परिक्रमा की थी, वो परिक्रमा भी की थी। और साथ ही साथ में वहाँ से ही मान के चलिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ से ही सुदामा जी ने, जो कि परम मित्र है, परम सखा है भगवान श्री कृष्ण के, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम गए हैं, आए हुए बेट द्वारका में, वहाँ पर ही वे आए थे और 3 मुट्ठी चावल वे लेके आए थे, अगर मुट्ठी में गिना जाए तो। तो जैसे ही एक मुट्ठी उन्होंने ग्रहण किया भगवान श्री कृष्ण ने चावल, तो उनका महल और बहुत बड़ा धन धान्य उनके लिए खड़ा हो गया उनके स्थान पर। और उसके बाद दूसरी जब मुट्ठी मुँह में डाला, तो मुँह में ग्रहण किया, तो नौकर चाकर बाकी सब व्यवस्थाएँ उनके निवास स्थान पर अपने आप स्थापित हो गई। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी पे खाने के लिए गए, तो रुक्ष्मणी जी, जो कि इनकी पत्नी जी थी भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने उनको रोक लिया, उनके हाथ को पकड़ लिया कि अगर आप ये तीसरी मुट्ठी अनाज ग्रहण करते हैं, चावल ग्रहण करते हैं, तो सब कुछ, जो तीनों लोक की जो धन संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ सुदामा जी के पास चले जाएगी और हम सब रोड पे आ जाएंगे। मतलब आप वो है श्री कृष्ण हैं और आपके सानिध्य में बाकी सारे लोग भी रहते हैं, तो उनका पालन पोषण करना भी आपका कर्तव्य है। इस कारण से उन्होंने उनको रोक दिया कि सब कुछ अगर आप तीसरी मुट्ठी भी अन्न ग्रहण करते हैं, चावल के जो दाने थे वो अगर आप ग्रहण करेंगे, तो सब कुछ भगवान सुदामा जी के पास चला जाएगा। तो ऐसा हमारा जो आज की यात्रा, इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो यात्रा थी वो आज समाप्त होती है। और इसी प्रकार से आपको हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और साथ ही साथ हमारे जुनून के बारे में जानकारी देते रहेंगे कि कौन कौन सी तकलीफें हमको रास्ते में आती है और क्या क्या चैलेंजेस का हम सामना करते हैं और किस प्रकार से एक नए जुनून की ओर हम बढ़ चले हैं, पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि अपने देश में घूमना फिरना और अलग अलग चीज़ों का अनुभव उठाना एक अलग ही आपको आनंद देता है। क्योंकि लोग निकलते हैं कुछ 2-4 दिन के लिए, कुछ 1 हफ्ते के लिए, कुछ अपने अपने हिसाब से लोग निकलते हैं। सोचिए, अगर साल भर की जो तकलीफ होती है उसको केवल 2-4 दिन में मिटाया जा सकता, तो हम तो इतने लंबे पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं पूरा, तो उसमें कितना आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार से आनंद भी उठा रहे हैं, चैलेंज का सामना भी कर रहे हैं, आप लोग भी समझते हैं इस बात को, इस कारण से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और जुनून को सराह भी रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही मज़ा आता है। आप भी अपनी राय अगर कुछ हो तो दे सकते हैं कि
क्या क्या बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न तो डायरेक्टली पूछते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोशिश ये करेंगे कि आपके जो प्रश्न के उत्तर है वो भी साथ साथ में देते जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे एक ही प्रश्न अगर कोई पूछता है तो उसका आंसर उसी समय दे दिए तो वो, लेकिन बहुत सारे के मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिसके उत्तर हमें देने चाहिए, तो हम इस प्रकार से अगर उत्तर देंगे वीडियो बना के तो बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न है वो अपने आप उनका आंसर मिल जाएगा एक ही जगह पे एक ही टाइम पर। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार से, आपका ये साथी आपका ये सखा आपके लिए कुछ ना कुछ नया और चैलेंजिंग लेकर आता रहेगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत। और क्या हो सकता है, आप आसमान के नीचे इंसान इसके लिए तो देखते हैं समझते हैं हमारे अनुभव हमारे चैलेंजेस जो भी रहते हैं वो सब चीज़ें। तो अभी हम बेट द्वारका से वापस आगे की ओर बढ़ रहे हैं।